नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हम सीमा विवाद पर बात करें, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं पहले यूपी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवाते हैं। तक पहुंचाया है और उसी का परिणाम है 135 करोड़ वृक्षों का आच्छादन इस दौरान प्रदेश के अंदर हुआ है। इसमें अगर हम 80% वृक्षों को बचाने में अगर सफल भी हुए हैं, आप देखना अगले 4-5 वर्षों में वनाच्छादन हमारा जो एक एवरेज होना चाहिए, नेशनल एवरेज है, उसके आसपास कहीं ना कहीं इसका ये दिखाई देगा। 25 करोड़ की आबादी में हमारा जो वन कवरेज है यह भी कम से कम 15% के आसपास तो पहले चरण में होना ही चाहिए, और इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 2023 में 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को वन विभाग को नोडल विभाग मानते हुए हम लोग करेंगे। और आज इसीलिए मुझे आप सबसे जुड़ना पड़ा। इसमें महत्वपूर्ण रूप से हर एक नगर निकाय को, जो 762 नगर निकाय हैं हमारे, उन नगर निकायों को अपने यहाँ लक्ष्य निर्धारित तय करने के लिए अपनी बैठक तत्काल बुला करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई के साथ, ये केवल एक चुपचाप कार्यक्रम नहीं बल्कि ढोल नगाड़ों के साथ हम कार्यक्रम आयोजित करें। हर्षोल्लास का एक कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे जिला पंचायत की बैठक बुला करके उस दिन एक विशेष अभियान के क्रम में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला करके वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए कि जितनी भी क्षेत्र पंचायत की भूमि या क्षेत्र पंचायत की सड़कें होंगी उस पर हम लोग लगाएंगे। ऐसे ही ग्राम पंचायतों को तय करना चाहिए, नगर निकायों को तय करना चाहिए, एक बड़ा कार्यक्रम होगा। मान्य विधायक और मान्य सांसदों को भी अलग अलग कार्यक्रमों में भागीदार बनना चाहिए, अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में 1, 2, 3, 4, 5 कार्यक्रमों में अलग अलग जगह भागीदार बन करके, और एक औपचारिकता नहीं। आपने देखा होगा हमारे भारतीय मनीषा ने वृक्षों की पूजा की है। हम पीपल में किसी एक ईश्वर के अक्ष को देखते हैं, बरगद में देखते हैं, आम में देखते हैं, नक्षत्र वाटिका में अलग अलग नक्षत्रों। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत संबोधन कर रहे थे। अब हम बात करेंगे सीमा को लेकर के। जी, वही सीमा जिसने अपने प्यार को पाने के लिए सारी सीमाओं को तोड़ दिया और पाकिस्तान और भारत के बीच बने सरहद को भी लांघ कर वो पाकिस्तान से भारत आ पहुंचती है। और सचिन नाम के जिस लड़के से वो प्यार करती है उस सचिन के पास वो जा पहुंची, वो भी अपने साथ अपने 4 बच्चों को लेकर। अब उस पर विवाद दरअसल छिड़ता नजर ये आ रहा है कि आखिर क्या ये सीमा का सच्चा प्यार है, क्योंकि बताया यह गया, सीमा भी इस बात को कहा सीमा ने कि दरअसल ये प्यार जो हुआ वो पबजी के जरिए हुआ। पबजी वो गेम है जिसमें तमाम सारे लोग खेलते हैं और इसमें गुट बनता है, ग्रुप बनता है। उस ग्रुपिंग का हिस्सा सीमा थी और सचिन एक ग्रुप के हिस्सा हुआ करते थे, जिसके बाद वहां गेम खेलते खेलते आपस में दोनों को प्यार हो बैठा। और उसके बाद सीमा ने यह ठान लिया कि दरअसल अब उसे पाकिस्तान में अपने पति के साथ नहीं रहना, और उसने ठाना तो वो कर भी दिखाया और अपने बच्चों के साथ वो नेपाल के रास्ते भारत आ पहुंची। हालांकि ये गैर कानूनी तरीके से सीमा का उठाया गया एक बड़ा दुस्साहसिक कदम भी कहा जा सकता है। दुस्साहसिक कदम इसलिए भी क्योंकि सीमा के पास भारत आने का कोई वीजा नहीं था, सीमा कानूनी तरीके से भारत नहीं आई। और इस तरीके में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर जांच एजेंसियां जो लगी हुई हैं बॉर्डर पर, सीमा सुरक्षा के जो बल यानी सीमा सुरक्षा सरहद सुरक्षा के लिए जो जवान लगे हुए हैं मुस्तैदी के साथ, उन जवानों पर भी, उनकी सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कैसे कोई एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से चलता है और नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री लेता है।
और भारत आने के बाद सीमा सचिन से प्यार करती रही और वो शादी करना चाहती रही। शादी करने की बात जब आगे आई, कोर्ट मैरिज करना चाहिए, तो वकील के पास ये लोग गए और वकील ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। तब पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ और सीमा के साथ सचिन को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, लेकिन उसके बाद सीमा को जमानत भी दे दी गई। इस पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इसे देखना चाहिए, किस तरीके से इस पूरे मामले का, इस पूरे प्रकरण पर नजरिया हमारा होना चाहिए, क्योंकि तमाम सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्यार की दुहाई भी दी जा रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा दें इन मेहमानों से और हम इन्हीं मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का आपको हम रूबरू कराएं, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए हमारी। दूसरे देश की सीमा को पार करके गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश में आ जाएं, खासकर वो देश जो कट्टर दुश्मन हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पबजी गेम के जरिए प्यार और फिर शादी के लिए पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग सीमा हैदर के इस कदम की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल सीमा हैदर जिस तरीके से भारत आई, उसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। गौरतलब है कि सीमा हैदर के पास कई पासपोर्ट मिले हैं, ऐसे में उनको लेकर कई तरह के संदेह पैदा होते हैं। यही वजह है कि सीमा हैदर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर उन्हें अपने प्यार के लिए भी भारत आना था, तो गैर कानूनी तरीका क्यों अपनाया? बिल्कुल, ये मेरी मोहब्बत थी, फिल्मों के से मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती थी, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, बहुत मेरी जिंदगी अच्छी नहीं थी खास पाकिस्तान में, तो आई लव देम, मुझे बहुत प्यार था इनसे और ये बहुत अच्छे हैं, मुझसे प्यार बात करते थे, प्यार से बात सिर्फ फ़ोन पे ही हमने 2 साल बात करी, तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे मेरी ये। अच्छा, ये कैसा सिलसिला चला, कहाँ से चला और किस सन से, अगर आप बता पाएं? हमारा पबजी से शुरू हुआ था 2020 में, पहले फ्रेंड से दोस्त, क्लोज दोस्त, फिर लव, फिर आज हम साथ हैं पति पत्नी के रूप में। दरअसल सीमा हैदर को लेकर ही एक पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब मलिक ने सवाल उठाया है। यूट्यूबर का कहना है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की भारत में एजेंट हो सकती है, जिसके जवाब में भारतीय कश्मीरी युवती यनामीर कहती हैं कि सीमा हैदर ने जो कदम उठाई हैं वह बेहद ही बोल्ड हैं। सीमा हैदर की बातें इस बात की पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं की हालत बेहद खराब है, लेकिन ये विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। सीमा हैदर के घर लोगों का तांता लगा हुआ है, वहीं सचिन ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ये मोदी जी से और योगी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ की इन्हें नागरिकता दे और बच्चों को अच्छे स्कूल में डालने की वो कर कर। अच्छा, अभी एक लड़के से मैं बात कर रहा था बाहर, वो शायद सीमा जी को अपना वो बहन बता रही हैं, बता रहा था और इन्होंने भाई माना, उसको आप जानते हैं? हाँ जानते हैं, वो हमारे साथ पबजी खेलता था। जीवन नाम का लड़का? जीवन नाम का, हरियाणा का लड़का है। हरियाणा का लड़का है, हरियाणा का। सीमा हैदर ने अपने आधार में जो उम्र बताई थी वह उनके पाकिस्तान में दाखिल किए गए हलफनामे से काफी अलग है। सचिन मीणा के साथ नोएडा में रह रही सीमा हैदर बार बार पाकिस्तान ना भेजे जाने की अपील कर रही हैं। करीब 8 साल पुराने इस हलफनामे में सीमा अपनी मर्जी से परिवार छोड़ने और गुलाम हैदर से शादी की बात करती हैं। हालांकि सीमा हैदर ने इस हलफनामे को गलत बताया है और कहा है कि उन्हें सिर्फ साइन करवाए गए थे, वो भी जबरदस्ती। हलफनामा सामने आने के बाद सीमा हैदर की उम्र को लेकर भी अलग अलग दावे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अलग अलग दावे हैं, अलग अलग सवाल भी हैं और इन्हीं सवालों को आज खंगालने की कोशिश करेंगे और पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक शानदार पैनल मौजूद है, आपका तारुफ करा देते हैं अब अपने मेहमानों से। आशीष पांडे जी हैं हमारे साथ, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मनोचिकित्सक के तौर पर डॉक्टर हेमिका अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम श्रीवास्तव जी भी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम श्रीवास्तव सर, आपका ही रुख करते हैं, आप इस पूरे, अगर हम आपको पर्सनली कहें तो सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आ जाने को लेकर किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं, उन सवालों पर भी हम जाएंगे बाद में, और दूसरी तरफ प्रेम की दुहाई भी दी जा रही है। सीमा हैदर जी का पूरा मामला मैं काफी बारीकी से इसको अध्ययन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ।
पहली चीज तो यह है कि सीमा हैदर जी जिस इलाके से आती है पाकिस्तान का, वो काफी गरीब इलाका है और उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है जैसा इस समय इलस्ट्रेट हो रहा है। उनकी बोलचाल की भाषा बड़ी परिष्कृत है और इतनी शुद्ध हिंदी पाकिस्तान में सिंध के इलाके में कोई बोलता है। इवन उनके जो पतिदेव हैं हैदर, उनका ही वार्तालाप मैंने सुना, वो भी इतनी साफ सुथरी हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। और जिस ढंग से वो ताबड़तोड़ जवाब देती हैं, इसका मतलब ये है कि वो या तो बहुत विद्वान है या जरूरत से ज्यादा विद्वान होने के कारण उनके भीतर कुछ छिपा हुआ है। दूसरा, उनके पतिदेव का जब मैंने चेहरा देखा, वो जब भी बात करते हैं तो आंखें इधर उधर छुपा कर बात करते हैं टीवी चैनल पर, इससे ये पता लगता है कि उनके मन में कुछ और पूछ रहे हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि सबसे पहले उनके साथ जो चार बच्चे आए हैं और सीमा जी का यहाँ पर आप जो एक टेस्ट होता है वो टेस्ट करके इस बात का पुख्ता जांच कर लें वो उनके बच्चे निश्चित रूप से उनके बच्चे होंगे। लेकिन अगर नार्को टेस्ट कर लिया जाए, केवल सीमा जी का नहीं साथ में सचिन का भी नार्को टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि सचिन को बैकग्राउंड में जो मकान दिखाया गया है वो इतनी गरीबी हालत में है, वो क्या धंधा करता है, वो कैसे यहाँ से नेपाल चला गया, दो बार चला गया, होटल में ठहरा, यह संभव नजर आता है। क्योंकि इस गरीब परिवार की स्थिति ये नहीं है कि जब तक कोई उसको फंडिंग ना करे वो इस तरह के लिए नेपाल में जाकर उनको लेकर आ जाए। तो मुझे तो इसमें षड्यंत्र की बू नजर आती है। लेकिन पुख्ता जांच करने के लिए हमको ये भी करना चाहिए कि सीमा हैदर जिस प्लेन से आई थी नेपाल, उस प्लेन में कितने और दूसरे यात्री थे, उनकी भी खोज खबर करना चाहिए। सबसे पहले तो नार्को टेस्ट करना चाहिए जिससे कि हकीकत सामने आ जाएगी। क्योंकि वहां पर अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं उस वेबसाइट को, जिसमें कि वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री ने वहां लेडी फातिमा कॉलेज के लड़कियों को इन्वाइट करके उनको आईटी एक्सपर्ट बनाने के लिए और हनी ट्रैप करने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। आईएसआई कुछ भी कर सकता है। हैदर जो कुछ भी बोल रहा है उसमें मुझे सत्यता नजर नहीं आती, क्योंकि उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, एक साइकोलॉजिस्ट की स्टडी करने के बाद आप समझ सकते हैं कि उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। कोई भी आदमी अगर टीवी चैनल पर बोलेगा तो सीधे बोलेगा, इधर उधर आंखें घुमाकर नहीं बोलेगा। वो बात क्यों सर, हेमिका अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से बता पाएंगी। हेमिका जी, जो राम श्रीवास्तव सर कह रहे हैं कि जो हैदर का जो हाव भाव था, जो चेहरे का एक्सप्रेशन था बात करने का, वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, वो समझ के परे जा रहा था, तो आपको क्या लगता है? आपने भी दोनों लोगों की, सीमा हैदर का भी अगर हम जिक्र करें और उसके पति का भी अगर हम जिक्र करें, तो दोनों लोगों की बातचीत वार्तालाप आपने देखी होगी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? पे टू डायमेंशनल में जब हम किसी को एग्जामिन करते हैं तो बहुत ही कंक्लूसिवली कोई भी राय बनाना ठीक नहीं है। हाँ, हिंट्स जरूर लिए जा सकते हैं, जैसे इन्होंने सर ने बोला, डॉक्टर राम ने बोला कि उनकी आंखें जो हैं वो लेफ्ट राइट देख रहे थे, मतलब कि वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो शायद कंफर्टेबल नहीं थे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो उनके उसमें कुछ गड़बड़ है, षड्यंत्र है या नहीं है, लेकिन अगर हम प्योरली साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये छल भी हो सकता है, जो इंसान छल करता है, जैसे उन्होंने बोला कि छली व्यक्ति जो है कई बार आंखें नहीं मिलाता, लेकिन कभी कभी जो साइकोपैथ्स होते हैं वो इतनी अच्छी नजर मिला के बात करते हैं और इतना अच्छे से उल्लू बनाते हैं कि आप भी शक नहीं कर पाएंगे। और जैसे हमने कुछ पिछले टाइम में भी देखा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट साइकोपैथ्स हमारे न्यूज में आए हैं। तो आंखें मिलाना या ना मिलाना कंक्लूजन नहीं है कि इंसान साइकोपैथ या कुछ गड़बड़ कर रहा है नहीं कर रहा है। हो सकता है वो अनकंफर्टेबल हो, तो उसने कभी कैमरा फेस ना करा हो और वो बात करने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हो, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हो, तो हम इससे बहुत ज्यादा नहीं डिराइव करेंगे। लेकिन हमें इसकी तह में जाने के लिए उनके कायदे में 1-to-1 असेसमेंट बहुत जरूरी है। उनके साथ एक साथ बैठ के जो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है वो अपने में एक साइंटिफिक इंटरव्यू होता है, जो इतने सालों के मेहनत के बाद एक स्किल, मेडिकल एग्जामिनेशन का, साइकेट्रिक एग्जामिनेशन का स्किल है, कायदे में वो होना चाहिए, उससे हम लोग ज्यादा इवेलुएट कर पाएंगे। ठीक बात आपने कहा। और ऐसे में अब सवाल जो उठ रहे हैं वो सवाल लाजमी भी हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि
आशीष जी, वो आपसे जानना हम चाहेंगे कि 4 तारीख को गिरफ्तारी होती है और 7 तारीख को जमानत, इतनी ताबड़तोड़ जो प्रक्रिया अपनाई गई, क्या ये आपको लगता है कि ये ठीक प्रक्रिया अपनाई गई है? क्या अन्य केसों में भी, अन्य मामलों में भी ऐसा होता है क्या कि इतनी ताबड़तोड़, और खासतौर पर जब देश की सुरक्षा से मामला जुड़ा हो? जी देखिए, कोर्ट का क्या जजमेंट है उसका मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ये जो महिला आई है पाकिस्तान से, ये सच बोल रही है या नहीं, इससे इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि क्या वो भारत में कानूनी रूप से आई है या नहीं आई है। हो सकता है वो सच बोल रही है, हो सकता है वो झूठ बोल रही है, बट द फैक्ट रिमेंस वो भारत में इलीगल तरीके से। बिल्कुल। अब देखिए, अगर कोई भारत में इलीगल तरीके से एंट्री करता है तो कानून इस संदर्भ में बिल्कुल साफ है कि अथॉरिटीज को उसको डिटेन करना पड़ेगा, और तब तक डिटेन करना पड़ेगा जब तक कि उसको डिपोर्ट नहीं कर दिया जाता, उसकी जो पैरेंट है जिस देश से वो आई है। अब इस पर्टिकुलर मामले में आप देखिए ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लोगों के बीच में शादियां नहीं हुई हैं। कई पाकिस्तानी लड़कियों की भारत में शादियां हुई हैं और कई भारतीय लड़कियों की पाकिस्तान में शादियां हुई हैं। तो देशों का इससे उतना लेना देना नहीं है, बल्कि ये देखना कि किस तरीके से इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। अब देखिए, मैंने इंटरव्यूज नहीं देखे, मुझे ज्यादा फैक्ट्स नहीं सर, वहां पर हम आपको ले ही नहीं जाएंगे, इंटरव्यू पे हमने आपको ले जा रहे हैं, हम आएंगे वहां पर, उस पर डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन पहला सवाल जो है वो आपसे, वो समझने की हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो क्या जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई वो आपको ठीक लग रही है कि 4 तारीख को दोनों को हिरासत में लिया जाता है और 7 तारीख को छोड़ दिया जाता है? सीक्वेंस में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये महिला जो है, ये अभी भी, क्या मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव में बात करने से स्टार्ट करता हूँ कि अभी भी शादीशुदा है या नहीं है अपने पहले पति से, वहां पर जब आकर ये दूसरी शादी करना चाह रही है, जो इंटेंशनल जो इनका यहाँ पर गोल है, इंटेंडेड गोल है, वो कम्प्लीट हो ही नहीं सकता। एक शादीशुदा महिला दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर सकती। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, मैं इसको फिर से इंफोसाइज कर रहा हूँ और रिएट्रेट कर रहा हूँ कि ओनली वे फॉरवर्ड इज टू डिटेन दैट पर्सन इधर इन जेल और इन कैंप। देखिए, 2005 में अगर आप पीछे इलीगल इमिग्रेंट्स और इंडियन लॉज के बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पाएंगे, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट होता था कि इलीगल इमिग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल 2005, उसको स्टेप डाउन कर दिया था। अब उसके बाद सिचुएशन ये है कि इलीगल इमिग्रेंट के पास इंडियन लैंड पर रहने का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, जहां पर वो एक तरीके से डिटेंशन में ना हो, ये कंप्लीटली आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ लॉ है। अब किस ग्राउंड पर कोर्ट ने उनको बाहर जमानत दे दी है और किस तरीके से चीजें प्रोसीड कर रही है, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट फैक्ट, लेकिन अल्टीमेटली इसमें डिपोर्टेशन ही होगा और उनको बाहर जाना ही पड़ेगा अगर उनके वीजा को रेगुलराइज नहीं किया जाता, और उसके बाद अगर वो वहां पर अपने पति को तलाक नहीं देती और उसके बाद फिर शादी के लिए कोशिश करती है। चलिए ठीक है सर, लेकिन वो ये कथित तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल उन्हें फोन पर उनके पति ने, जो पहले पति थे उनके, उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया, जबकि पति का साफ तौर पर इस बात से इनकार है। आएंगे और भी गहराइयों पर जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे, लेकिन यहाँ पर दरअसल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सीधा रुख करेंगे हेमिका अग्रवाल जी आपका। अभी राम श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि नार्को टेस्ट का उन्होंने जिक्र किया, हमने ये बात सीमा हैदर से भी जानने की कोशिश की कि क्या वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो सीमा हैदर ने ये बात कही कि दरअसल उनको नार्को टेस्ट के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो मैंने उनको बताई प्रक्रिया, तो उन्होंने कहा मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि नार्को टेस्ट के बाद भी ये जरूरी है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ है
क्योंकि ISIS के जो ट्रेन जो लोग होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, वो क्या नार्को टेस्ट जैसी प्रक्रियाओं को पार करने में सक्षम नहीं होते हैं? या आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया युवराज जी, और मैं स्पेशली इस बात पे एम्फसाइज करना चाहूंगी क्योंकि जब हम लोग टेस्ट का नाम सुनते हैं तो हम लोग बहुत ही भरोसा करने लगते हैं कि टेस्ट तो इंसान नहीं कर रहा है, एक ऑब्जेक्टिव तरीका है मेजरमेंट का, तो इसका रिजल्ट जो है वो फूल प्रूफ होगा. लेकिन नार्को एनालिसिस, इसके रिजल्ट्स दे आर नॉट फूल प्रूफ. हो सकता है हमें कोई नई इंफॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन अगर कोई ट्रेंड है नार्को एनालिसिस के लिए, क्योंकि नार्को एनालिसिस में जैसे आपने उनको प्रोसीजर समझाया तो आपको भी पता होगा, मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि एक सेडेटिव या माइल्ड सेडेटिव बहुत कम डोज में दिया जाता है, जिससे बारबिट्यूरेट जैसा फिनो बारबिटोन टाइप, जिसमें आपकी जो इनहिबिशंस हैं वो कम हो जाती हैं, और जैसे कि लोग कहते हैं शराब पी के बात उगल वाली, ये उसी तरह का एक टेक्निकल चीज है जिसमें हम जो सेडेटिव है वो कंट्रोल तरीके से देते हैं. तो जिन लोगों को इसकी ट्रेनिंग मिली हुई है वो डेफिनेटली नार्को टेस्ट को बीट कर सकते हैं. और नार्को टेस्ट में अगर नार्को एनालिसिस में हमें कुछ कंक्लूसिव ना मिले, ये बिल्कुल इस बात की गारंटी नहीं है कि कुछ गड़बड़ नहीं है. कुछ मिल जाए तो वो डेफिनेटली किसी चीज का वो है, दर्शाता है कि कुछ है. लेकिन नेगेटिव रिजल्ट आना बिल्कुल भी रूल आउट नहीं करता कि कुछ गड़बड़ नहीं है. और स्पेशली जो लोग ट्रेंड होते हैं वो तो इस चीज को आसानी से बीट कर ही सकते हैं. बिल्कुल ठीक बात कही आपने. राम श्रीवास्तव सर, आपने नार्को टेस्ट का जिक्र किया और गरीबी का भी आपने जिक्र किया, तो मैंने खुद सचिन का घर देखा है. मैं वहां गया तो देखा कि महज दो कमरे हैं उस युवक के घर में, और उन दो कमरों का वो घर है, और वो किसी दुकान में काम करता है, छोटी मोटी उसकी तनख्वाह होगी और उसी से उसका घर चलता है. लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब उसको लेकर के जो इतना प्रेम को लेकर के जो हवाला दिया जा रहा है, और हम कानून को की बात करें या फिर आम लोगों की भी बात करें, उनका जो रवैया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट नज़र आ रहा है. क्या आपको लगता है कि जहां देश की सुरक्षा का मामला हो वहां इस तरीके से खिलवाड़ किया जाना उचित है? क्योंकि ये दरअसल प्रेम का मामला केवल नहीं है, ये आपके घर का मामला है, आपके घर की सुरक्षा का मामला है, हमारे घर की सुरक्षा का मामला है, हमारे गांव का की सुरक्षा का मामला है, शहर की सुरक्षा का मामला है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है. इसको सरलता से तो कतई नहीं लेना चाहिए. और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जो श्रीमान सचिन जी है ना, मुझे भी 62 साल का अनुभव है यंग ब्लड के साथ रहने का, और मैं एक नजर में पहचान लेता हूँ कि इस आदमी के पीछे क्या कोई हरकत है या साधारण है. ये निश्चित रूप से पबजी का नाम ले रहा है. इसके कंप्यूटर्स का, मोबाइल का पूरा डेटा खंगालना चाहिए और देखना चाहिए सीमा जैसी और कितनी महिलाओं से इसके प्रेम संबंध इसने उगलाए हैं. ये एक नेटवर्क निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए तो मेरा रीडिंग है वो ये बताता है कि जहां ये कराची से जो महिला आई है वहां के इंटीरियर चाहिए, और वहां जो हिंदू परिवार रहते हैं वो ज्यादातर 99% सिंधी हैं. और कोई भी सिंधी भाषा का जो हिंदी में बोलेगा उसका लोच है, उसका एसेंट है बिल्कुल अलग है, वो इसका नहीं है. और दूसरी चीज ये है कि इसको जो सनातनी धर्म के नियम कायदे समझ में आ रहे हैं, बिछिया पहनना, इसको टिकी लगाना, पूजा करना, आरती उतारना, ये इतना संभव नहीं है कि जब तक रिगरस उसकी किसी ने ट्रेनिंग ना दी हो. तो मुझे तो पक्का यकीन है कि ये जो कुछ भी है ये ISI का एक ड्रामा है, और इसके पीछे एक नेटवर्क काम कर रहा है. ये भी संभव है इस तरह की और कई सीमाएं हैं जो भारत में आ चुकी हैं, ये लव जिहाद के अंदर आई है, इन बच्चों को ये साथ में लेकर आई है जिससे सिंपैथी गेन हो जाए. इसीलिए मैंने सजेस्ट किया है कि इनका पहले तो DNA टेस्ट करना चाहिए, क्या सच में ये बच्चे इसके हैं. निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि बच्चे हो भी सकते हैं सर, बच्चे हो भी सकते हैं. एक सेकंड के लिए हम ये मान लें कि हो सकता है सचिन प्यार के जाल में फंस भी गया हो, हम ये भी मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक बच्चा और आया था, मैंने उससे भी बात की, वो सचिन के ही हम उम्र का था, उसको सीमा अपना भाई बताती है. और उससे जब मैंने बात की तो उसने पहले, वो तो पहले कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं था, मास्क लगाया हुआ था, और जब वो पहुंचा घर में, घर के अंदर एंट्री करता है, क्योंकि मैं उस समय घर के अंदर मौजूद था, एकल की बात मैं बता रहा हूं,
और उस दौरान सीमा का जो हाव भाव था, जो एक्सप्रेशन था चेहरे का, कि जो कहते ना कि बिल्कुल कोई अचानक से मिल जाए और बहुत बिछड़ा हुआ यार, तो उसके बाद वो जो एक्सप्रेशन आता है वो नजर आया मेरे सीमा के अंदर। मैंने देखा जब वो लड़का बाहर निकला तो उसने पहले अपने आप को कहीं और से बताया, अलीगढ़ से बताया, फिर मैंने उससे बात की तो उसने कहा मैं दिल्ली से आया हूं, फिर थोड़ी देर बाद बताया था कि मैं गुड़गांव से आया हूं। मैंने यही बात जब सचिन के सामने रखी तो सचिन ने बताया कि वो लड़का हरियाणा का है। तो ये बात मैंने फिर बाद में, हालांकि उससे मैंने वादा किया, मैंने कहा चलिए ठीक है आप मास्क मत उतारिए, तो उसने बात किया, उसने कहा कि मैं भी पबजी खेलता था तो उसमें ही हमारी दोस्ती हुई है। तो ये एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि सचिन कहीं ना कहीं उस जाल में फंस गया हो, प्रेम जाल में, और ये जो पूरा एक सरगना हो सकता है कि वो अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाए। लेकिन यहां पर सवाल सबसे बड़ा एक और उठता है सर, कि हमारी सीमाओं पर जो जांच एजेंसियां हैं उनका फिर काम क्या रहेगा? अब सोचिए अगर कोई इस तरीके से पांच बच्चों के साथ, चार चार बच्चों के साथ वो भारत में दाखिला कर जाता है पाकिस्तान से आकर के, तो फिर क्या अब तक जिनकी ड्यूटी लगी थी उनको नहीं वहां पर तलाश लेना चाहिए था, उनको नहीं पूछना चाहिए था उनसे पूछताछ? क्योंकि अभी ऐसी खबरें कोई सामने आई नहीं है कि उनसे भी पूछताछ हुई हो, या वहां पर किसकी तैनाती थी, क्या वजह थी जो छोड़ दिया गया सीमा को। योगेश जी, ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हाँ। आज हमारे यहाँ चाइनीज माल जो है धरने से अगर मार्केट में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? नेपाल की सीमा से आ रहा है, रोका क्यों नहीं जाता है? अरे जिस देश में हमारे आईपीएस अफसर आतंकवादियों को अपनी जीप देकर पठानकोट पर हमला करवाने में शामिल होते हैं, उस देश में इन अभी बहुत गुंजाइश है इनमें सुधार करने की। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, शराब पीकर सरकारी ड्यूटी पर अंजाम देना ये गुनाह है। अगर आप वाहन चला रहे हैं और शराब पी रहे हैं और आपका अगर शराब का उसमें वेपर्स आ गई तो आपका चालान कट जाएगा, हाँ। आपका पनिशमेंट मिल जाएगा, हाँ। लेकिन आप, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप हिंदुस्तान के किसी भी थाने में रात के 12 बजे बाद जाइएगा, वहां आपको 70-80% लोग शराब के नशे में धुत मिलते हैं। जिस देश का कल्चर आज की तारीख में इन सीमा सुरक्षा बलों के सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपका म्यूट हो गया क्या, टच हो गया क्या, आप जरा चेक करिए। मेरे ख्याल से आवाज तो जाना चाहिए। जी अब आ रही है, बोलिए, आ रही है सर, आप बोलिए। हेलो जी, आ रही है, बोलिए आप। चलिए आते हैं, तब तक आवाज आपको ठीक करवा रहे हैं सर। सर आपके पास दोबारा आते हैं, आपकी आवाज ठीक करवा रहे हैं। अब आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है, बोलिए। तो आज ये अच्छी तरह मालूम है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों के होते हुए भी नेपाल से स्मगलिंग का सामान आता है और यहाँ से, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेहरबानी करके ये पता लगाइए नेटवर्क कौन है, क्योंकि ये सचिन जो है निश्चित रूप से पबजी अकेला नहीं है, ये डार्क वेव का एक खिलाड़ी है, इसने साइबर क्राइम में भी कहीं ना कहीं किसी तरह से जो अश्लील चैटिंग होती है वो अवश्य की होगी। ठीक बात। और ये भी अपनी जगह बात बिल्कुल सुनिश्चित है कि अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो नेपाल में जाकर वहां देखना चाहिए, इसके पास 3 आधार कार्ड कहाँ से बन गए, इसके पास डुप्लीकेट जो है ये पासपोर्ट कहाँ से इशू हुए, इस पूरे नेटवर्क को जब तक आप नहीं खंगालेंगे इसकी सच्चाई पता नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि ये तह तक परत दर परत अभी उकेरने की जरूरत है और हमें तह तक जाने की जरूरत है। आशीष जी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ये जो अगर हम भारत का जिक्र करें तो जो पुलिस का अभी सूचना तंत्र है वो 1861 से चला आ रहा है लगातार, और ऐसे में ये बात उसमें उल्लेखित है कि अगर कहीं भी असामाजिक गतिविधियां होती हैं तो उस पर नजर रखना और उस पर कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई करना, ये काम होता है प्रशासनिक अमले का। और अगर हम सीमा के मामले का जिक्र करें तो पहले तो सीमा को वो भेद कर सीमा आ गई, यानी सरहद को भेद कर आ गई बिना वीजा के, बिना कानूनी कागजात के, और उसके बाद जो बड़ी गलतियां देखने को मिलती हैं, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई व्यक्ति असामाजिक तत्व तो या कोई वैसा व्यक्ति आता है तो उसकी जानकारी दे, चौकीदार की बनती है, ग्राम विकास का जो चौकीदार होता है, उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है बीट इंफॉर्मेशन रजिस्टर भी होता है, उसको भी नहीं पता,
एलआईयू की जिम्मेदारी बनती है, उसका भी नहीं पता। ये सब लोग कर क्या रहे हैं? फिर हमारी जो देश की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, क्या उस पर ये करारा प्रहार नहीं है? और उसका ये एक एग्जाम्पल है कि क्या स्थिति है फिलहाल देश के अंदर, क्या चल रहा है। जी, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत। हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको जितना एक्टिव होना चाहिए, या मैं कहूँ प्रोएक्टिव होना चाहिए, वो उतना प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाई पड़ती है। अब देखिए, ये पर्टिकुलर महिला जिस बॉर्डर से आई है, वो इंडिया नेपाल बॉर्डर है, वो बहुत ही पोरस है। अगर आप देखेंगे वहां पर केवल ये तो एक ऐसा इंसिडेंट है जो लकली हमारी नोटिस में आ गया, लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट डेली हो रहे हैं। डेली इलीगल इमिग्रेंट्स उस इंडिया नेपाल बॉर्डर से इंटर कर रहे हैं। होता क्या है, देखिए, भारत की जो आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार हो गया, ये इस तरीके के और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको बनाने का बहुत एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और ये सबको पता है। अनफॉर्चुनेट है, इस पर कोई कुछ कर नहीं रहा है। बहुत इजीली आप आकर अपना आधार बनवा सकते हैं, आपका आधार मिल जाता है। जिस समय आप नेपाल से आते हैं और उस आधार कार्ड को दिखाते हैं, तो वहां पर जो इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट पोस्ट होती है वो आपको इंडिया में इंटर कर जाने देती है। और इस तरीके से विदाउट असर्टनिंग देयर रियल आइडेंटिटी, ये इलीगल एमिग्रेंट हमारे इंडिया में इंटर करते हैं। अब मैं आता हूँ इस मुद्दे विशेष पर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है सीमा हैदर जो कह रही हो वो ठीक है, हो सकता है वो जो कह रही है वो गलत है, वो आईएसआई की एजेंट हो, लेकिन इस चीज का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है कि उसने भारत में गैर कानूनी रूप से एंट्री करी है। और अगर आपने भारत में गैर कानूनी रूप से एंट्री करी हो सकता है आप जेन्युइन हो सकता हो आप फॉरेन स्पाई हो, आपको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि आप फॉरेन स्पाई हो, तो आपको बियॉन्ड डिपोर्टेशन से इंडिया के जो आपके डिफरेंट लॉज है उसके तहत आपका प्रोसिक्यूशन भी होगा। तो आई एम श्योर कि जो हमारी एजेंसीज हैं वो एसर्टेन कर रही है। चलिए ठीक है सर, वो आप श्योर है, मुझे भी पूरी उम्मीद है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जो लापरवाही है या जो अब तक का समय बीत गया वो आखिर हुआ कैसे? ये तमाम सारे सवाल अभी भी रह जा रहे हैं, लेकिन समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पे हमें विराम देना पड़ेगा सर। और आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से सीमा को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ, तमाम सारे सवाल अभी भी बाकी हैं। लेकिन इस बीच आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनवाते हैं। इतना पानी आ रहा है, वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनी कुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहां क्या स्थिति है उसका तो हमें ज्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेजी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें। अरविंद केजरीवाल को यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से सरकार की तैयारियां हैं वो बता रहे थे। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।